विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन भी भाजपा ने सरकार को घेरा और बेरोजगार के साथ साथ क्रूर मजाक करना बंद करो के नारे के साथ पूरा प्रांगण गूंज उठा। साथ ही भाजपाइयों ने सरकार को कई भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। नहीं, हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा नहीं हो रहा है क्या? शराब घोटाले पे सवाल करना हंगामे करने के जैसा? क्या खनिज संपदा लूट रही है सरकार, डकैती डाल रही है, चोरी करवा रही है, उस पर सवाल उठाना हंगामा करना? अब जब सरकार सवालों का सही जवाब नहीं दे तो प्रतिपक्ष का धर्म हम अदा करें कि नहीं करें, आप बताइए। क्या झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगार मांगना हंगामा करना है? ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे खनिज संपदाओं की लूट का मुद्दा है, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तीनों के तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार नतमस्तक है। वो डराने का एक जरिया था। अंदर में क्या हुआ, कैसे हुआ, छात्र का आंदोलन को जिस तरह से आपने उसको खत्म करने के लिए बाध्य किया, एक कोई वार्ता नहीं है। वो डराया, धमकाया है, बहलाया फुसलाया है। वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा करेक्टर खराब कर देंगे, जो नौकरी का बात करता है तुम्हारे जीवन में ऐसा करेक्टर लिख देंगे जिसकी नौकरी क्या भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा। करेंगे, हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप 5 लाख नौकरी देने का घोषणा किए थे, आप बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किए थे, और 5 लाख नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो क्या दिया आपने? भोक्ता जी तो फर्जी मंत्री हैं, वो आए हैं दूसरे कास्ट से जीत करके दूसरे कास्ट में बन गए, उनको तो नियम संगत उनको रिजाइन कर देना चाहिए या सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बानू जी, एक सवाल है।